आज विदेश में हर जगह भारत को ऊपर रखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मोदी ही सही में विदेश में काम कर रहे हैं या और कोई भी है इसके पीछे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार और आप देख रहे हैं वीयूआ न्यूज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस जयशंकर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एस जयशंकर को तो जानते ही होंगे, या फिर कहे सुब्रमण्यम जयशंकर। उनका जन्म 9 जनवरी 1955 को हुआ था। माता पिता दोनों के ही समाज में जुड़े रहने की वजह से जयशंकर को भी राजनीति में दिलचस्पी पैदा हो जाती है। अगर हम जयशंकर की योग्यता की बात करें तो वह इस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD के छात्र हैं और उन्होंने केमिस्ट्री में बैचलर की डिग्री और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री कर रखी है। अब हम बात करते हैं कि एस जयशंकर की सारी विदेशी रणनीति बनाते कैसे हैं, कैसे वो काम करते हैं। विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर की प्राथमिक जिम्मेदारी भारत की विदेश नीति के उद्देश्य को तैयार करना और उसे स्पष्ट करना होता है। इसमें कोई भी मामला सामने आ सकता है, चाहे वह भू राजनीति की बात कर रहे हो या फिर अपने देश को उच्च स्तर पर विदेश में दिखाने की बात हो रही हो। इसके साथ साथ विदेश मंत्री के रूप में वह विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भारत का प्रभावित प्रतिनिधित्व करते हैं और उनसे अच्छे संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका उदाहरण आप 2014 से लेकर 2019 के बीच में जब वह अमेरिका के लिए राजदूत थे भारत की तरफ से, जिसकी वजह से 2014 के बाद अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे हुए, वो सिर्फ जो भी श्रेय जाता है वो एस जयशंकर को जाता है। अगर हमारे देश पर कोई संकट आता है तो ऐसे समय में एस जयशंकर उन सभी में हस्तक्षेप कर सकते हैं, विदेश के जितने भी देश हैं उनसे मदद मांग सकते हैं, स्थिरता और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम भी यही करते हैं। यह विश्व स्तर पर कर सकते हैं विदेश के व्यापार के अवसरों को, बाजार के विस्तार, वैश्विक मंच पर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसी पहले एस जयशंकर के नेतृत्व में जाती है और काम चेक होने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। अगर हम 2019 से बात करें तो जब से जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है तो उनके विदेशी मंत्री के कार्यकाल में भारत को बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिले हैं। 2019 के बाद उन्होंने भारत में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्र सुरक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रमुख आवाज रखी है। विदेश में ऐसी पहचान बनाए जिससे 2023 में भारत में G20 आयोजित करवाया गया और देश को उच्च स्तर पर पहचान मिली। एस जयशंकर पर भाजपा द्वारा दोबारा से विश्वास किया जाता है और मोदी 3.0 में उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह दी जाती है और वो दोबारा से विदेश मंत्री बनाए गए हैं। विदेश मंत्री बनने के बाद एस जयशंकर ने जो पहला बयान दिया है वो पाकिस्तान और चीन से भारत के संबंध पर दिया। एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ ही हमारे रिश्ते अलग हैं। चीन के साथ सीमा को लेकर कुछ मुद्दे अभी बाकी हैं जिस पर हम बात करेंगे और उन्हें निपटाना चाहेंगे। आपको एस जयशंकर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।